घबरा क्यों रही है? एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम करा है। पहली बार एक ऐसा राज्यपाल उपराज्यपाल आया है जिसने जितने भू माफिया हैं उनको जड़ से उखाड़ने का काम करा है। अरे किन किन लोगों ने, किन किन अधिकारियों ने जिनके कारण भू माफिया ने, कहते उसमें एक एक्स मंत्री भी है, क्या वो एक्स मंत्री कौन है उसको प्रकाशित करने का प्रयास करो। और जिस पार्टी का वो मंत्री है वो भी स्पष्ट करने की बातें करे। एक एक मंत्री 260 कनाल भूमि अगर कैप्चर करके रखेंगे तो फिर हाहाकार मच जाएगा। और बड़ा बड़ा धन्यवाद है डिविजनल कमिश्नर जम्मू का, डीसी जम्मू का, आईजीपी जम्मू का और जेडीएवीसी का, जिन्होंने सारों मिलकर के एक अच्छा काम करा है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जिन अधिकारियों के माध्यम से ये सारा कब्जा हुआ वो कौन कौन से अधिकारी हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जिनके माध्यम से मंत्रियों के साथ मिलकर के कब्जा करा गया, ये कहते हैं अभी और वहाँ 500 कनाल भूमि उसी एक्स मंत्री के विषय के अंदर वो कौन है वहाँ और मली हुई है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ वो सारी जमीनें जितने भी मंत्रियों के पास हैं पहले ऊपर से चालू करो। माननीय उपराज्यपाल जी, कोई तो आया आपके माध्यम से जिसने भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी और वो दिख रही है जमीनी हकीकत के ऊपर। इसलिए जितने भी मंत्री हैं अगर उन्होंने 200, 300, 400, 500 कनाल भूमि अपने कार्यकाल के अंदर घेरी हुई है तो वही काम कर रहे थे, ये जांच का विषय है। मैं माननीय उपराज्यपाल जी से कहना चाहता हूँ जिन अधिकारियों के समय, जिन डिप्टी कमिश्नरों के समय, जिन लोगों के समय ये कब्जा हुआ उनके नाम भी घोषित किए जाएं।